Hello students, this is the second lecture of your computer science, and in this lecture I will tell you about the ROM and the storage unit. Okay, but before that I would like to say something to you. Whatever I have taught you in previous lecture, please make note of the terms that I have explained in previous lecture. जो मैंने कुछ terms बताए थे आपको previous lecture में, उसके आपको notes में लिखने हैं, उसके बारे में खुद से लिखना है, ठीक है। और इस तरह से इसमें जो बताऊंगा आपको उसको भी आपको नोट्स बुक में लिखना है नोट, ठीक है। चलिए, तो रोम इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। और कैसा होता है? नेचर में नॉन वोलेटाइल। मींस व्हाट? कि अगर आप जो भी इसमें डेटा है इनसाइड योर रोम, वो अगर आपका कंप्यूटर ऑफ हो जाता है, आप शट डाउन कर देते हो, तो वो डेटा वहां से रिमूव नहीं होता है, हटता नहीं है। अनलाइक योर रैम। रैम में क्या होता है आप जानते हो कि अगर आपका डेटा उसमें है और अगर आपने स्विच ऑफ किया या स्विच शट डाउन किया सिस्टम को, तो आपका डेटा वहां से हट जाता है। बट रोम में ऐसा नहीं होता है। और रोम में बेसिकली होता क्या है, योर बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। इसके बारे में आपको डिटेल में बाद में बताएंगे, जो कि कहां पे होता है, रोम मेमोरी के अंदर होता है, ठीक है। और ये उसको तभी उसमें मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे उसको वहां पे उसमें इसके अंदर डाल दिया जाता है। किसके अंदर? रोम के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे। उसको आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ रोम। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोम? आपने एक बार प्रोग्रामिंग कर दिया तो उसको आप रेज नहीं कर सकते हो। सेकेंड थिंग, सेकेंड वन, ई प्रोम, इरेजिबल प्रोग्रामेबल रोम। तो ये भी आपका रोम का ही टाइप्स है, बट कुछ ऐसे टाइप्स है जिन्हें आप इरेज नहीं कर सकते हो, बट कुछ उसमें ऐसे भी है जिनको आप इरेज कर सकते हो। तो जो सेकेंड वाला है उसको आप अल्ट्रा वायलेट रेज के थ्रू अरेज कर सकते हो उसका डेटा। एक एक बहुत क्रिटिकल प्रोसेसिंग होती है जिसमें आपके जो ई प्रोम में जो भी डेटा है उसको रिमूव किया जाता है, ठीक है। ओके, थर्ड वन इज ई प्रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रोम। अब यहां भी आप डेटा कैसे रिमूव कर रहे हो? आप कैसे रिमूव कर रहे हो? इलेक्ट्रिकली रिमूव कर रहे हो, ठीक है। तो इसमें भी आप डेटा को रिमूव कर सकते हो। ये भी अपने आप में क्या है, क्रिटिकल प्रोसेस है, बहुत मतलब ये टफ एक कह सकते हो आप, ठीक है, और प्रोसेस है, ठीक है। बहुत इजी नहीं होता है डेटा को आप रिमूव करना, ठीक है। एंड थर्ड फोर्थ वन इज फ्लैश ई प्रोम, फ्लैश ई प्रोम, ठीक है। तो ये भी आपका इरेजिबल है। और फ्लैश वर्ड क्यों ऐड किया गया है? क्योंकि ये जो ऊपर के आपके बताए गए हैं टाइप्स ऑफ रोम, उनसे बहुत फास्टर वर्क करता है, ठीक है। इसका स्पीड बहुत फास्ट होता है, ठीक है। एक्सेस मतलब यहाँ पे जो डेटा एक्सेसिंग स्पीड होता है, डेटा एक्सेसिंग स्पीड, दैट इज द फास्टर कंपेयर टू द फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। ओके, एंड लास्ट वन इज मास रोम। अब ये भी एक आपका रोम का ही टाइप है। इसको कौन मैन्युफैक्चर करता है? जो कंपनीज आपकी क्या बनाती हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स बनाती हैं, आईसी से आप शॉर्ट फॉर्म में बोलते हो, जो कंप्यूटर सॉरी जो कंपनीज कंप्यूटर के आईसी बनाती हैं, वही कंपनी इसको भी मैन्युफैक्चर करती हैं, ठीक है। और ये यूजर के थ्रू प्रोग्राम है, इसका यूजर के थ्रू प्रोग्रामिंग नहीं होता है, ठीक है। ये कहने का मतलब ये भी क्या, इसको भी मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ही केवल मतलब इसमें प्रोग्रामिंग हो सकती है, उसके बाद नहीं। और सेकंड टॉपिक आपका है स्टोरेज यूनिट। क्या है? स्टोरेज यूनिट। तो स्टोरेज यूनिट में आप इस तरीके से जानते हो, आपको बताया भी गया है प्रीवियस क्लासेस में, मैं अगेन वही बात रिपीट करूंगा, ये सब आपका हो चुका है, ठीक है, फिर भी आपके बुक में है, एक बार हम लोग फिर से पढ़ लेते हैं। चलिए, तो
जो भी आपके स्टोरेज यूनिट होती हैं वो डेटा को परमानेंटली सेव करती हैं। वट एवर द डिवाइस दैट वी यूज इन स्टोरेज यूनिट दोज डिवाइस सेव द डेटा परमानेंटली इनसाइड देम। ओके सी द फर्स्ट वन हार्ड डिस्क। यू आर वेरी प्रीटी मच फैमिलियर विद दिस डिवाइस। यू नो योर ऑल डेटा इवन योर software part, in even your OS, operating system, whenever your system is shut down, your operating system reside inside the hard disk. जितने भी आपके सॉफ्टवेयर हैं, आपके चाहे OS हो, चाहे application software हो, चाहे आपके कोई भी आपकी file हो, कहाँ पे आप रखते हो, computer में या laptop में, hard disk में, okay? सेकेंड आपका है कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सीडीज। ओके यहाँ पे मैंने कुछ इसका साइज लिमिट दिया हुआ है, मतलब कि ये हुआ कि आपका हार्ड डिस्क मिनिमम कितना होता है। मिनिमम ये पहले आता था, पता नहीं अब आता ही नहीं आता है, 80 GB से स्टार्टिंग होता है टीवी में। डिपेंड करता है आप कितने टीवी का लेना चाहते हैं, 1 TB 2 TB 3 TB, ठीक है। टेराबाइट्स जिसे क्या बोलते हैं आप, टेराबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, ये क्या है, मेमोरी के यूनिट्स हैं, ठीक है। और ये आपका मिनिमम एंड मैक्सिमम इसका क्या है, साइज लिमिट। ओके एंड ये आपका सेकेंड वन है, इसमें कॉम्पैक्ट डिस्क जिसे शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग सीडीज, ये आपका आता है 700 MB का होता है। अब इसमें भी सब टाइप्स है, वो क्या है, सीडी रोम, मतलब ऐसा कॉम्पैक्ट सीडी आपका कॉम्पैक्ट डिस्क जिसे आप अगर वंस में आपका डेटा सेव कर दिया तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, इरेज नहीं कर सकते हो, इसे बोलते हैं सीडी रोम, मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, उस टाइप का होता है। सेकंड आपका ओके सीडीआर, ठीक है, तो ये भी वही सिमिलर वही है, मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑन रीड, मतलब आप डेटा को रीड कर सकते हो, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो उसके अलावा, ठीक है। और थर्ड वन है आपका सी डी आर डब्ल्यू, यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है आर डब्ल्यू, मतलब यू कैन रीड ऑल्सो राइट ऑल्सो, राइट ऑल्सो मतलब क्या हुआ, यू कैन चेंज योर चेंज चेंज एग्जिस्टिंग डेटा इनसाइड दिस टाइप ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क। इफ यू आर यूजिंग सी डी आर डब्ल्यू डिस्क देन यू कैन चेंज डेटा इनसाइड दैट डिस्क एंड यू कैन re-enter new data inside this type of disk, compact disk, okay? And third one that we have in storage unit, that is your DVD. The full form kya hota hai? Digital video disk. Digital video disk, okay? तो यहाँ भी हमने यहाँ इसका मैक्स मिनिमम एंड मैक्सिमम साइज लिमिट दिया हुआ है और ये वैरी भी करता है, मतलब अकॉर्डिंग टू डिफरेंट बुक्स, ये आपको कभी कभी ये मिलेगा, कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है, ऐसा नहीं एग्जैक्ट यही है। तो जनरली जो आपका डीवीडी आता है वन साइड, इसमें टू साइड होते हैं, तो कुछ में क्या होता है, वन साइड आप डेटा रख सकते हो, कुछ में क्या होता है, आप दोनों साइड डेटा रख सकते हो। तो जो वन साइड का मैक्सिमम साइड सॉरी लिमिट होता है, मतलब स्टोरेज लिमिट होता है, कैपेसिटी सॉरी स्टोरेज कैपेसिटी होता है, वो कितना होता है, 4.7 GB, मतलब अगर आपका कोई डिस्क है तो उसके आप वन साइड में इतना डेटा आप स्टोर कर सकते हो। एंड मैक्सिमम कैसे हुआ, टू साइड दोनों तरफ अगर आप डेटा सेव करते हो तो, ठीक है, तो क्या रहेगा आपका 8.4 GB, ठीक है। अब डीवीडी भी वही है जो आपका सीडी पे सब टाइप्स था, तो अगेन वही डीवीडी रोम, डीवीडी आर, डीवीडी आर डब्ल्यू, तो उसमें भी वही है जो आपने सीडी यहाँ कॉम्पैक्ट डिस्क में देखा, तो सेम फंक्शनैलिटीज हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ द स्टोरेज कैपेसिटी बिटवीन सीडी एंड डीवीडी। इसकी कैपेसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है डीवीडी की कंपेयर टू द सीडी, और बाकी तो जो टाइप्स यहाँ पे हैं वही आपके टाइप्स यहाँ पे हैं, ठीक है। चलिए लास्ट बात है हम लोग फ्लैश मेमोरी, जिसे हम लोग जनरल लैंग्वेज क्या बोलते हैं, पेन ड्राइव, क्या बोलते हैं, पेन ड्राइव,
जो आपका स्टार्टिंग इसका स्टोरेज कैपेसिटी है वो क्या है, 250 MB, 250 MB एंड मैक्सिमम 128 GB। ठीक है, तो पेन ड्राइव क्या होता है, फ्लैश मेमोरी, और इसमें फ्लैश मेमोरी होता है, और ठीक है ये ओके तो ये पोर्टेबल भी होता है। ठीक है, पोर्टेबल तो सभी होते हैं फिलहाल। ठीक है, आपके सीडी और डीवीडी फ्लैश, ये फ्लैश मेमोरी। ठीक है, तो आप पेन ड्राइव अच्छी तरह जानते हो, और ये भी आपका स्टोरेज यूनिट है। ठीक है, लास्ट वन है आपका ब्लूरे डिस्क, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं BD। इसका क्या है, इसका भी वही सेम यहाँ पे सिमिलरिटी है बिटवीन डीवीडी एंड सीडी कि डीवीडी में भी क्या होता है, आप दोनों तरफ डेटा स्टोर कर सकते हो, जस्ट लाइक आप ब्लूरे डिस्क में भी आप दोनों तरफ डेटा को स्टोर कर सकते हो। अगर आप वन साइड की बात करेंगे तो ब्लूरे डिस्क में आप क्या, आप वन साइड में 50 GB तक डेटा को स्टोर कर सकते हो, और जिसका मैक्सिमम कैपेसिटी मतलब जो इसकी अगर दोनों साइड को मिला के बात करें तो टोटल कितना हो जाता है, 128 GB, कितना दोनों साइड मिला के। ठीक है, अगर जो मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी है किसकी, ब्लू रे डिस्क की, वो कितनी है, 128 GB। ओके, तो और क्या होता है इसमें, इसमें आप जब इसको आप यूज करते हो, जब इस टाइप की जो आपकी डिस्क होती है जब उसको प्ले करते हो, वहाँ पे आपको पर्पल या कैसे वायलेट लेजर का यूज होता है जब आप उनको प्ले करते हो इस टाइप की डीवीडीज को इनसाइड योर कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, तो ओके, तो ये सब था आपका रोम और स्टोरेज यूनिट के बारे में। ओके, प्लीज मेक नोट्स व्हाटएवर आई एम टीचिंग यू इन वीडियो लेक्चर्स। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क टू मी इन होमवर्क ग्रुप, एंड यू कैन ऑल्सो कॉल, यू कैन कॉल टू मी। ओके, इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन रिलेटेड टू एनी टॉपिक। ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। थैंक यू।